देखो होता क्या है कि जब हम किसी दूसरे ऐप में या फिर अपने फ़ोन के इनबिल्ट सेटिंग के अंदर पासवर्ड सेट करते हैं तो वहाँ पे हम या तो पासवर्ड, पिन या पैटर्न कुछ भी लगा सकते हैं। हाय गाइस, स्वागत करता हूं आपका फिर से एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं हाउ टू सेट पासवर्ड इन योर एंड्रॉयड फ़ोन, यानी कि आप अपने फ़ोन में पासवर्ड कैसे लगा सकते हैं। इससे पहले भी मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था कि अपने फ़ोन को लॉक कैसे कर सकते हैं, तो वहाँ पर मैंने एक ऐप्स के बारे में बताया था। लेकिन ये जो वीडियो है ना, काफ़ी डिफरेंट और काफ़ी कमाल का होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ऐप्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसकी मदद से आप अपने फ़ोन में टाइम पासवर्ड लगा सकते हैं। क्या आपने इससे पहले टाइम पासवर्ड के बारे में सुना था? नहीं ना, आ जाओ इस वीडियो में समझते हैं। तो मेरे साथ इस वीडियो का एंड तक देखते हैं और समझते हैं पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले जो है आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है, तो इसके लिए आप प्ले स्टोर पे आ जाओ एंड यहाँ पे सर्च करो स्क्रीन लॉक टाइम पासवर्ड। ठीक है, तो ये जो ऐप दिख रहा है सिंपली से आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो ऑलरेडी मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ है, तो अब मैं इसको ओपन करता हूँ और देखो यहाँ पे ये जो है ओपन हो रहा है। अब गाइस यहाँ पे कुछ ऐसा इसका इंटरफेस दिखता है, इसका होम कुछ ऐसा दिखता है और अभी मैं होम पे हूँ। तो अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा इनेबल लॉक का, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये आपसे एक परमिशन मांगेगा। जैसे आप इसको अलाउ करेंगे तो ये जो है आपको रीडायरेक्ट कर देगा एक दूसरे ऑप्शन पे जहाँ पे लिखा है परमिट ड्रॉइंग ओवर अदर एप्स। सिंपली से आपको इसको इनेबल कर देना है एंड आपको बैक आ जाना है। अब आपको क्या करना है, फिर से आपको इनेबल लॉक पे क्लिक करना है क्योंकि उस टाइम इसने रीडायरेक्ट कर दिया था। तो अब वापस से क्लिक करना है, अब फिर से आपसे एक परमिशन मांगेगा फ़ोन कॉल्स का। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इसको परमिशन देना है या फिर नहीं। मैं यहाँ पे इसको परमिशन दे देता हूँ, अलाउ कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने अलाउ किया, अब ये मुझे लेकर आ गया है यहाँ पे, ये पूछ रहा है कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन, यानी कि अगर फ्यूचर में आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं या फिर अगर किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम होता है तो यही रिकवरी ऑप्शन है, यही जो क्वेश्चन और आंसर है आपको हेल्प करेगा आपके पासवर्ड को रिकवर करने का। तो यहां पे कोई भी एक क्वेश्चन को चूज कर लो, देखो बहुत सारा क्वेश्चन है, तो यहां पे मैंने एक क्वेश्चन चूज कर लिया एंड उसके बाद यहां पे उसका आंसर कर दो और सिंपली से नीचे जो सेव का ऑप्शन दिख रहा है यहां पे क्लिक कर दो एंड वापस से आप जो है होम पे आ जाएंगे, जब जैसा कि अभी मैं होम पे हूं। अब क्या करना है आपको, यहां पे सब कुछ डन हो गया है, अब मुझे यहां पे अपना पासवर्ड सेट करना है। देखो होता क्या है कि जब हम किसी दूसरे ऐप में या फिर अपने फ़ोन के इनबिल्ट सेटिंग के अंदर पासवर्ड सेट करते हैं तो वहाँ पे हम या तो पासवर्ड, पिन या पैटर्न कुछ भी लगा सकते हैं, सिंपल सा ऑप्शन होता है। लेकिन यहाँ पे जो है पासवर्ड लगाने का ऑप्शन है बहुत सारा वैरायटी है, कैसे आ जाओ देखते हैं। तो यहाँ पे देखो सिक्योरिटी टाइप है, जैसे इसके अंदर आओगे तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस 6 तरह का आपको ऑप्शन मिल रहा है। अब ये कौन कौन सा 6 तरह का है, आओ एक एक करके समझ लेते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पे दिख रहा है वो है करंट टाइम। करंट टाइम का मतलब क्या है, ये जो है टाइम टू टाइम जो है आपका पासवर्ड चेंज होते रहेगा। कैसे, मान लो कि घड़ी में जो है अभी फोन के घड़ी में जो है अभी टाइम हो रहा है 5:23, ठीक है 5:23, तो इसका पासवर्ड बनेगा 0523। ठीक है, अगर 6 बज गया पूरा का पूरा 6 बज गया तो पासवर्ड बन जाएगा 0600। इस तरीके से पासवर्ड ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा करंट पासवर्ड के हिसाब से। ठीक है, दूसरा जो है यहाँ पे पिन प्लस करेंट टाइम। अगर मान लो कि आपने करेंट टाइम आपने रखा है और आप चाहते हैं कि कुछ अपना कस्टम भी पासवर्ड यहाँ पे रखें तो कोई भी 2 डिजिट जो है आप इसके आगे लगा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने 00 लगाया, ठीक है, और करेंट टाइम हो रहा है 5:20, तो मेरा पासवर्ड क्या बनेगा 00052 0, समझ गए। तो इसी तरीके से है आवर है, पिन प्लस आवर है, पिन प्लस मिनट है, उसके बाद पिन, उसको ओनली पिन है। अगर आप आवर नहीं लगाना चाहते हैं, टाइमिंग नहीं लगाना चाहते, सिर्फ अपना कस्टम पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो ओनली पिन के अंदर आके कोई भी 4 डिजिट का अपना पासवर्ड लगा सकते हैं, वो आपके इच्छा के अनुसार होगा। ठीक है, एंड लास्ट में एक ऑप्शन आपको है पिन प्लस डे। अगर मान लो कि आज के दिन जो भी तारीख है, अगर मान लो आज 5 तारीख है तो पासवर्ड आपका बनेगा, पिन अगर मान लो हमने 00 सेट किया था तो बनेगा पासवर्ड 0005, इस तरीके से, समझ गए। तो ये सारा का सारा जो है चेंज होने वाला पासवर्ड है, जिस तरह से डेट भी चेंज होगा तो उस तरह से पासवर्ड भी चेंज होता रहेगा। अगर मान लो कि इनकेस आपके फ़ोन में किसी ने झांक के देख लिया आपका पासवर्ड और वो सोचेगा यार मैंने तो पासवर्ड देख लिया, अब मैं कभी भी इसके फ़ोन को चुरा के मैं खोल सकता हूँ, बट ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जब भी वो खोलने का ट्राई करेगा तो पासवर्ड तो आपका रॉन्ग बताएगा, क्योंकि आपको पता है कि पासवर्ड जो है आपका चेंज हो रहा है बार बार। ठीक है, क्यों चेंज हो रहा है ये तो आपको पता चल गया है ना। तो अब हम एक पासवर्ड यहाँ पर सेट करते हैं, तो जैसे कि यहाँ पर मैंने ले लिया है पिन प्लस करंट टाइम।
तो देखो अभी हमने पिन में यहाँ पे सेट किया है 00, ठीक है, वो उसके बाद फिर से हमने री एंटर पासवर्ड सेट किया 00। तो अभी देखो जो भी करंट टाइम होगा वो चेंज होता रहेगा, ये 00 तो मेरा सेट रहेगा हमेशा, कांस्टेंट रहेगा, बट जो करंट टाइम है वो चेंज होता रहेगा, तो मेरा पासवर्ड भी जो है चेंज होता रहेगा। तो अब मैं आपको एक बार प्रूफ दिखा देता हूँ, तो अपने फ़ोन को एक बार लॉक करता हूँ, वापस से अनलॉक करके एक बार दिखाता हूँ कि पासवर्ड क्या बनता है। देखो मैंने लॉक किया यहाँ पे, अब जैसे ही इसको अनलॉक करने का ट्राई कर रहा हूँ तो उससे पहले आप टाइम देखो अभी क्या हो रहा है, 4:32, इसका मतलब क्या बना पासवर्ड 0432, इसके पहले मैंने पिन क्या लगाया था 00, तो टोटल पासवर्ड मेरा बना 0000432। और देख सकते हैं गाइस ये पासवर्ड मैंने जैसे ही डाला तो मेरा फ़ोन अनलॉक हो गया। तो यार देखा कितना कमाल का है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, अगर आपके फ़ोन को किसी ने देख भी लिया, पासवर्ड किसी को पता लिया तो कोई कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि पासवर्ड जो है टाइम टाइम चेंज होता रहेगा। तो यार कैसा लगा आपको ये वीडियो बताना जरूर नीचे कमेंट करके, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, सजेशन है, कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कर दो, 100% ट्राई करूंगा आपके कमेंट का रिप्लाई करने का, और अगर आपको कोई जेन्युइन सवाल हुआ तो आपके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी लेकर आ जाऊंगा। गाइस इससे पहले जो मैंने पासवर्ड के ऊपर जो वीडियो बनाया था, अगर वो वीडियो देखना है तो ये ऊपर वाले वीडियो पे क्लिक करो, और अगर आपको कोई इंटरेस्टिंग वीडियो, और भी एक वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, नीचे वाले वीडियो पे क्लिक करके देख लो।